नमस्कार दोस्तों, एक बार बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दीपेश गौर में। आज हम इस वीडियो में अति शिक्षक से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, नया सत्र चालू हो चुका है, यहाँ पर अतिथि शिक्षक के आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। तो इसका नया एक आवेदन फॉर्म आया है, जिसे आपको भरकर, घोषणा पत्र भरकर, सभी डॉक्यूमेंट को लगाकर, जिस भी स्कूल में आपको पढ़ाने की इच्छा है वहाँ पर पद खाली है। अगर आपको पता नहीं है कि पद कहाँ पर खाली है, तो हमने यहाँ पर एक वीडियो डाला था अतिथि शिक्षक किसी स्कूल में पद कैसे चेक करें कि इस स्कूल में खाली है, तो ये वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर जो आवेदन फॉर्म है उसे भरकर, घोषणा पत्र को भरकर, आपको सभी डॉक्यूमेंट के साथ उस स्कूल में जमा करना होगा। तो आवेदन पत्र कहाँ से मिलेगा, उसमें क्या क्या जानकारी आपको भरना है, ए टू जेड जानकारी देने वाला हूँ। बस वीडियो को एंड तक देखिएगा, एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। आवेदन फॉर्म आप कहां से डाउनलोड कर सकते हैं, आपको सभी जानकारी दूंगा, बस वीडियो को एंड तक देखिएगा। के बारे में बताना चाहता हूं, जिसमें आपको हर डे इनकम यहां पर मिलने वाली और इंस्टेंट बीट डाल रहा यहां पर मिल सकता है, जिसमें मिनिमम बीट 108 लगा सकते हैं। दोस्तों हम बात करें एलडीएस की, एलडीएस में ज्वाइन होने के लिए आपको हमारी लिंक से साइन अप करना पड़ेगा, जिससे आपको साइन अप बोनस 108 रुपए मिलेगा। टोटल प्रोसेस करने के बाद टोटल 208 रुपए जो कि आप इंस्टेंट बीट डाल कर सकते हैं, 24 घंटे के अंदर आपके बैंक खाते में जाएगा। यहां पर आप देख सकते हैं कि हमारी डेली इनकम जो होती है, हमने जो रिचार्ज करके रखा है वो 500 करके रखा है, 490 वाला रिचार्ज करते हैं। अब आप बोलेंगे कैसे प्रेस करने की इसमें रिचार्ज कर ले, तो आपको इसमें 500 रिचार्ज करके प्रेस करना है, उसके बाद आपको इसमें बड़ा रिचार्ज करना है। आप छोटा रिचार्ज करिए, क्योंकि कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हैं तो उसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना ही होता है, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट पैसे कमाने लगे आपको इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ पर बिडा लगा सकते हैं, जैसे हमने बिडा लगाए 1 तारीख को यहाँ पर बिडा लगाएंगे, तो इसलिए हमें यहाँ पर सक्सेसफुल आ रहा है। हमें आपको अपने यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे बैंक में पैसे आए हैं, ठीक है, पैसे हमारे बैंक में यहाँ पर आ चुके हैं, जो कि रियल कोई फेयर यहाँ पर नहीं है। दोस्तों 500 से ज्वाइनिंग करते हैं तो 25 रुपये आपको मिलेगा, जो कि 40 दिन तक मिलेगा, टोटल 1000 रुपये यहाँ पर मिलेगा। टीम कमीशन भी रहता है दोस्तों, और इसमें आपको रेफर बोनस मिलेगा, एक दिन में अगर आप 3 व्यक्ति को ज्वाइन कराते हैं तो 200-250 करके आपको बोनस मिलेगा। उसके बाद अगर आपकी टीम का साइज 30 हो जाता है तो आपको 2000 रुपये हर मंथ की 20 तारीख को मिलेगा। इसमें अगर ज्यादा लोग भी, मैंने कहा आपको 500 रुपये का बताया है रिचार्ज प्लान, तो आप इसमें अगर रिचार्ज प्लान करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप पर ज्वाइन हो जाइए, हमें पर्सनल मैसेज कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम आई, समझ में नहीं आ रहा है तो हमसे कॉन्टैक्ट जरूर करिएगा, इस ऐप को एक बार यूज करके जरूर देखिएगा, आपको डेली इनकम होगी। धन्यवाद। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारा YouTube चैनल होने के साथ साथ हमारी एक वेबसाइट भी है, तो चलिए हम वेबसाइट पर एंटर हो जाते हैं। वेबसाइट पर जाने के लिए सबसे पहले आपको गूगल में गौर न्यूज 24 लिखकर सर्च करना है। सर्च करते ही आपके सामने पहली वेबसाइट जो हमारी वेबसाइट यहां पर आपको देखने को मिल जाएगी। इस पर आप जैसे सर्च करेंगे, अभी तक आपने इसे फॉलो नहीं किया है तो नवीनतम अपडेट पाने के लिए इसे ज़रूर फॉलो कीजिए, और अतिथि शिक्षक नवीन आवेदन फॉर्म की यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं अतिथि शिक्षक नवीन आदेश फॉर्म, अतिथि शिक्षक भर्ती 2024-25। यदि आप गेस्ट फैसिलिटी अतिथि शिक्षक है तो आवेदन करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको उसके लिए क्या क्या पात्रता होनी चाहिए वो आपको जानना जरूरी है। पहले तो आपके पास स्कोर कार्ड होना चाहिए, वैध स्कोर कार्ड। अगर आपको स्कोर कार्ड नहीं बनाते आ रहा है, आपको स्कोर कार्ड में कोई क्वालिफिकेशन ऐड करनी है, तो ज़रूर बताइए, हम उसका भी वीडियो लेकर आपके साथ जरूर आएंगे। संबंधित सब्जेक्ट में वर्ग 1 के लिए आपके पास स्नातकोत्तर होना चाहिए, वर्ग 2 के लिए आपके पास यूजी होना चाहिए, वर्ग 3 के लिए आपके पास 12वीं कंप्लीट होना चाहिए। स्नातकोत्तर में, स्नातक में जो सब्जेक्ट आपने की है, जिस सब्जेक्ट से आपने किए हैं, वही वर्ग 1 और 2 में आप पढ़ा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे होना उम्मीदवार के पास जरूरी है बीएड डीएड आपके पास होना जरूरी है, उन्हें प्राथमिकता पहले दी जाएगी। बस 2024 में नवीन आवेदन चालू हो चुके हैं। आवेदन फॉर्म भर अभ्यर्थी को जिस स्कूल में पढ़ाना है उस स्कूल में जाकर आवेदन फॉर्म से सभी डॉक्यूमेंट अटैच करना है, उसके साथ जमा करना है। अभ्यर्थी को एक वैध स्कोर कार्ड भी होना चाहिए। अब आवेदन फॉर्म के साथ साथ आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे वो पहले आप देख लीजिए। हायर सेकेंडरी मतलब 10वीं 12वीं की परीक्षा आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तीसरा, यहाँ बीए बीएससी परीक्षा की अंकसूची होना चाहिए, एमए होना चाहिए, एमएससी होना चाहिए आपके पास, डीएड या बीएड आपके पास होना चाहिए, स्कोर कार्ड होना चाहिए, शपथ पत्र आपको जो है मैं आपको दूंगा, बैंक पासबुक आपको लगानी है, और आवेदन फार्म यहाँ पर आप देख सकते हैं, आवेदन फार्म यहाँ पर ये रहा आपका आवेदन फार्म की पावती, मतलब आप जमा करेंगे तो आपको यहाँ से पावती रिटर्न मिलेगी। उसके बाद यहाँ पर आपको एक घोषणा पत्र देखने को मिल जाएगा, ये घोषणा पत्र, ठीक है। अब बात कर लेते दोस्तों इसमें भरना किस प्रकार से, इन्हें डाउनलोड कहाँ से करेंगे, तो सबसे नीचे आएंगे तो अतिथि शिक्षक है तो आवेदन फॉर्म यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, तो चलिए हम आपको डाउनलोड करके बता देते हैं। क्लिक हेयर पर जैसे हम क्लिक करेंगे, हमारे सामने जो अतिथि शिक्षक का पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो है आवेदन फॉर्म जो कि डाउनलोड हो चुका है, आपको भी लिंक दे दी जाएगी, ठीक है। यहाँ पर हम थोड़ा इसे और छोटा कर लेते ताकि आपको पूरा समझा सके। उसके बाद यहाँ पर जो है वो आपको सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अतिथि शिक्षक पहले तो नवीन आवेदन फॉर्म, विद्यालय का नाम यहाँ पर आपको डाल देना है, जिस भी विद्यालय के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, दिनांक डाल देना है, आवेदक का नाम यहाँ पर आपको स्पष्ट लिख देना है, हिंदी में लिखना है, सभी जानकारी आपको पिता का नाम लिख देना है, यहाँ पर आवेदक की एक फ़ोटो लगा देना है, आवेदक की जन्म तारीख अंकों में यहाँ पर लिखना है, प्लस शब्दों में भी यहाँ पर लिखना है, पत्र व्यवहार का पता आपने किस जगह से आप आवेदन कर रहे हैं, मतलब आपका स्थायी पता,
मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको लिख देना है, प्लस आधार नंबर यहाँ पर आपको लिख देना है, बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पर लिख देना है, और कौन सी शाखा है वो भी आपको लिख देना है, शैक्षणिक योग्यता यहाँ पर लिख देना है, आपकी लास्ट शैक्षणिक योग्यता का है, स्कोर कार्ड यहाँ पर आपको लिख देना है, हायर सेकेंडरी स्कूल में आपको कितने मार्क्स प्राप्त हुए हैं वो लिख देना है, पूर्णांक प्लस प्रतिशत, बीए बीएससी परीक्षा में आपको कितने अंक प्राप्त हुए हैं पूर्णांक में कितने हैं और प्रतिशत यहाँ पर, डीएड बीएड में आपको वो सेम प्रोसेस, वर्ग एवं विषय है किस वर्ग में और किस विषय में यहाँ पर आप पढ़ाना चाहते हैं, साथ में मैंने आपको जैसे कि बता दिया कि आपको आवेदन के साथ साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, ठीक है, और आवेदन के आवेदक के यहाँ पर आपको हस्ताक्षर कर देना है, शपथ पत्र की भी हम यहाँ पर बता देते हैं, तो हम जैसे अपने वेबसाइट पर आते हैं यहाँ पर आपको पहले पावती के बारे में बता देते हैं, पावती पर क्लिक है, पर जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर हमारी ये देखिए पावती यहाँ पर आ चुकी है, अतिथि शिक्षक वर्ग लिख देना है यहाँ पर, 1 2 3 विषय लिख देना है, तो श्रीमान आपका नाम लिख देना है, का आवेदन पत्र निम्न दस्तावेजों सहित प्राप्त हुआ, इसमें हस्ताक्षर प्राप्तकर्ता जिसको आप देंगे उसे साइन करवा लीजिए, आपके पास ये पावती रहेगी कि हाँ हमने ये फॉर्म जमा किए हैं। उसके बाद यहाँ पर शपथ पत्र, शपथ घोषणा पत्र की बात करें तो घोषणा पत्र यहाँ पर आपको डाउनलोड यहाँ पर कर सकते हैं हम, ठीक है, घोषणा पत्र की बात करें तो मैं आपका नाम लिख देना है, पिता का नाम लिख देना है, उम्र लिख देना है, निवासी कहाँ के हो, शपथकर्ता या कथन करता हूँ कि मेरे विरुद्ध कोई भी लैंगिक अपराधों के से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 तथा किशोरी न्याय बोर्ड की देखरेख तथा संरक्षण अधिनियम 2000 के अधीन कोई मामला पंजीकृत अथवा प्रचलित नहीं है, किसी भी मान्यता किसी भी न्यायालय द्वारा मुझे आपराधिक प्रकरण के लिए दंडित नहीं किया है और ना ही कोई प्रकरण माननीय न्यायालय में विचाराधीन है, स्थान लिख देना है, दिनांक लिख देना है, शपथ मतलब ग्रहीता आपका साइन, आपका नाम लिख देना है और आपके सिग्नेचर कर लेना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर अतिथि शिक्षक आवेदन फॉर्म, पावती और घोषणा पत्र तीनों की पीडीएफ यहाँ पर आपको उपलब्ध करवा दी है। अगर इससे संबंधित आपको कोई जानकारी चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन हो जाए, व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको यहाँ पर ये देखने को मिल जाएगी, और चैनल पर ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वेबसाइट को भी फॉलो कर देना। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो लेकर आपके साथ जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत, जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।